हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल पल्लवीज किचन में। तो मैं आप लोगों के साथ में एक बंगाली डिश शेयर करना चाहूँगी जो बनाने भी कम समय लगता है और खाने में भी इतना टेस्टी है और फेमस डिश भी है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करके देखिए, खाने में इतना टेस्टी है कि आप लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चिंगड़े मसर मलाई कढ़ी। ये देखिए, तो इस गीले नारियल को हम ये इससे किस लेंगे, इसको कूड़ा नहीं बोलते हैं। तो ये देखिए नारियल का किस, इसको हम ग्राइंडर में थोड़ा पीस लेते हैं, इतना ही ठीक है। इसमें आधा गिलास पानी डाल देते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं, इसके दूध को छान लेते हैं अच्छे से इस तरह से। अब हम मछली को फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम मछली को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं। चलिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1-1 चम्मच, एक कटे हुए टमाटर, साथ में नमक, मिर्च पाउडर, कश्मीरी चिल्ली, ये है हल्दी, इसमें है जीरा फोड़ने के लिए यानी तड़के के लिए, ये है जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, और ये है प्याज, कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए प्याज, और ये मछली। तो तेल गरम हो चुका है, हम इसमें अभी जीरे का छौंक लगा देंगे। जैसे जीरा तड़कने लगे उसमें तेज पत्ता डाल देंगे, साथ में कटे हुए प्याज। और इसको थोड़ा ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो प्याज है ये थोड़ा पक जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। ये देखिए फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको 2 मिनट तक चला लेते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन भी हो चुका है, अब इसमें हम नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर डाल देते हैं, साथ में कटे हुए टमाटर, साथ में धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला, इसे भी साथ में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। 1 मिनट तक इसको ढक के रखिए। ये टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ये जो चिंगड़ी माछ रखे थे यानी झींगा, चिंगड़े का मलाई कढ़ी है, ये बांग्ला डिश में से सबसे पसंदीदा डिश में से एक है। तो इसको हम 2 मिनट चला लेते हैं, हो गया है। ज़्यादा मत चलाइए ताकि मसाले भून ना जाए। इसमें आप कोकोनट का दूध डाल देंगे। साथ में थोड़ा पानी, ठीक, बस इसको अभी थोड़ी देर पकने देते हैं। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये और थोड़ा पानी इसको सोखने देते हैं। तो देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुकी है। ये देखिए चिंगड़े मसर मलाई कढ़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इन्हें उतार लेते हैं, गैस ऑफ कर लेते हैं। देखिए ये एक बंगाली डिश है, चिंगड़े मसर मलाई कढ़ी। अब ये रेडी हो चुका है, आप लोग देखिए। ये खाने में कम, बनने में भी कम समय लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।